नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा फिल्म सिटी से, जहां मौसम की खबर में हिंदू मुसलमान एंगल ना घुसा पाने के कारण भोले भंडारी नाम के एक एंकर को नौकरी से निकाल दिया गया। अधिक बातचीत के लिए चलते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास, जो खुद एक समय अपने मोहल्ले की दंगा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। आदरणीय रिंकू जी, बताइए क्या बसुड़ी है? टिंकू, आपको बता दूं कि चैनल ने अपने सभी एंकर्स को हिदायत दे रखी थी कि खबर जो भी हो उसमें हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान जरूर घुसेड़ना है। भोला भंडारी कल जब खबर पढ़ने आया तो उसने दिल्ली चुनाव, चीन में हो रहे डॉग शो और सूरत में चल रही खादी मेले की खबर में तो हिंदू मुसलमान एंगल डाल दिया, मगर मौसम की खबर पढ़ते वक्त वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे बीच स्टूडियो से घसीटते हुए सीधे दफ्तर के बाहर रखे सूखे कचरे वाले डस्टबिन में फेंक दिया गया। भोले भंडारी को नौकरी से निकालने के बाद चैनल ने मौसम की इसी खबर को अपने दूसरे एंकर से पढ़वाया ताकि बाकी एंकर भी सीख पाए कि बारिश की खबर बताते हुए भी देश में आग लगाई जा सकती है। आप ही देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपद्रव कुमार। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं बंगाल से। बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव के कारण कई सीमावर्ती जिलों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इन्हीं सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के चलते सांप्रदायिक तनाव भी बना हुआ है। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी अगले 24 घंटे में बर्फबारी हो सकती है। शक है कि नापाक पाक इस बर्फबारी की आड़ में अपने आतंकियों की घुसपैठ करवा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं आज शाम दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरी महाबवाल का कहना है कि दिल्ली में बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार जानबूझकर ये कृत्रिम बारिश करवा रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में अभी भी प्रदूषण के मारे बुरा हाल है। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान में पराली जलाने की वजह से उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज ना आया तो हम सिर्फ 10 दिन में उसे धुआं धुआं कर देंगे। वहीं नोएडा के इसी हिंदी चैनल के स्टूडियो में उस समय हड़कंप मच गया जब खबर पढ़ते पढ़ते एंकर के मुंह से विकास शब्द निकल गया। एंकर के विकास बोलते ही स्टूडियो में लगी लाइटें फ्यूज होकर नीचे गिर पड़ी। कैमरों में स्पार्किंग के बाद आग लग गई। कुर्सियां खुद ही हिलने के बाद नीचे गिर गईं। विकास शब्द बोलने के बाद एंकर को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक्सरे के बाद पता चला कि उसके दिमाग के दाएं हिस्से में पत्रकारिता का कीड़ा घुस गया, जिसे डॉक्टरों ने प्लास से पकड़कर बाहर निकाल दिया। देखिए, हमारे स्टूडियो को विकास, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जीडीपी जैसे शब्द सुनने की आदत नहीं रही, इसीलिए उस दिन जब हमारे एंकर के मुंह से अचानक विकास निकल गया तो स्टूडियो की दीवारों के कान इसे सह नहीं पाए और वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। फिलहाल स्टूडियो का अशुद्धिकरण करने के लिए हम लूप में अलग अलग नेताओं के भड़काऊ भाषण चला रहे हैं ताकि स्टूडियो को उसकी पुरानी पवित्रता लौटाई जा सके।